नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के उन झीलों के बारे में जहां विदेशी पक्षियों का होता है जमावड़ा। जब कभी भी हम लोगों के मन में कहीं घूमने का विचार आता है तो हम ऐसी जगह की तलाश करते हैं जहां हम अपने आप को प्रकृति के काफ़ी पास होने का एहसास कर सके। ऐसे में हम ऊंचे हिल स्टेशनों पर जाना पसंद करते हैं या फिर झील या फिर झरनों के बीच अपने आप को होना पसंद करते हैं ताकि हम प्रकृति का एहसास कर सके, प्रकृति का आनंद उठा सके। ऐसे में आइए आज हम जानते हैं बिहार में स्थित झील के बारे में। बिहार में स्थित झील के बारे में जो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं झील कहते किसको है। जल से भरा हुआ वह गहरा स्थान जहाँ चारों ओर भूमि हो, उसे हम झील कहते हैं। इस तरह के पानी से भरे हुए भूभाग को आर्द्र भूमि भी कहते हैं। इसे हम स्थानीय भाषा में कई नामों से जानते हैं, जैसे कि ताल, शैर या फिर मन। अधिक मन से इसे लोग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से बुलाते हैं। बता दें कि इन झीलों में मछली पालन, सिंचाई, पक्षी विहार, बाढ़ नियंत्रण तथा पर्यटन के लिहाज से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर हम बिहार में नदियों की स्थिति को देखें तो उसमें बनने वाले झीलों को देख लें तो बिहार में उत्तरी मैदान में गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी तथा महानंदा जैसी नदियों में प्राकृतिक झील देखने को मिलती है। नदियों के मैदानी इलाके में इसकी धार कमज़ोर होती चली जाती है, जिसका कारण है कि इसके साथ अवसाद भी आता है जो कि नदियों के रफ्तार को कम कर देता है। ऐसे में जब अवसाद जमा होता है तो झील का रूप धारण कर लेता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं बिहार में झील के बारे में। बिहार में कुल 5 झील है। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कांवर झील के बारे में। कांवर झील बिहार के बेगूसराय ज़िले के मंझौला गांव में स्थित है। इस झील को बिहार सरकार ने 1984 ईस्वी में पश्चिम बिहार का दर्जा दिया था। इस झील का पूरा इलाका 16 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बता दें कि कांवर झील को भारत का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया। बता दें कि यह बिहार का पहला रामसर है। बता दें कि यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। बताया जाता है कि इस झील को बूढ़ी गंडक नदी पर बना हुआ है। बता दें कि इस झील में कई प्रमुख वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस झील में सर्दियों के मौसम में साइबेरियन पक्षी आते हैं। बता दें कि शोध कार्य को लेकर बर्ड बैंडिंग स्टेशन की भी स्थापना यहाँ पर की गई, साथ ही साथ इस स्थान को संरक्षित किया गया है। दूसरा जो है वो है कुशेश्वर स्थान झील। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान पर स्थित है कुशेश्वर स्थान झील। इस झील की स्थापना 1972 ईस्वी में पक्षी अभयारण्य घोषित करके किया गया था। बता दें कि इस झील में सर्दी के मौसम में पेलिकन, डालमिटिया तथा साइबेरियन क्रेन नाम की पक्षी यहां प्रवास करती है। इस झील का पूरा इलाका, यानी कि अगर हम पूरे रकबे की बात कर लें तो 20 किलोमीटर में यह फैला हुआ है, लेकिन बरसात के दिनों में इसका पूरा इलाका 100 किलोमीटर हो जाता है। बता दें कि बरसात के दिनों में कमला और करेह नदियां इसमें आकर मिलती है, जिसके बाद से यह पूरा इलाका बढ़ जाता है। यह झील भी कई जैव विविधताओं से भरा हुआ है। इस झील में मछली का पालन व्यापार का एक बड़ा केंद्र है। इसके बाद है गोगाबिल झील। इस झील को घोघा चाप या फिर घोघा झील के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि यह झील जो है बिहार राज्य के कटिहार जिले के मनिहारी में स्थित है। बताया जाता है कि इस झील का पूरा क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर में है। यह झील बरसात के दिनों में गुलजार हो जाती है। इस झील में महानंदा नदी का पानी पहुँचता, कहते हैं इस झील में प्रवासी पक्षियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इस झील में हर साल हजारों की संख्या में कैस्पियन सागर और साइबेरियन इलाके के लगभग 300 अलग अलग प्रजाति के पक्षी। इसके बाद जो नंबर आता है वो है सिमरी बख्तियारपुर झील का। यह झील सहरसा जिले में स्थित है। यह कुल 25 किलोमीटर में फैला हुआ है। बता दें कि इस झील का निर्माण सर्दिया, जमुनिया, कम्बिया तथा गोरवा आदि झीलों से मिलकर बना है। बताया जाता है कि इस झील का आकार घोड़ा के नाल के आकार जैसा है। इस झील के दक्षिण पश्चिम में कांवर झील और उत्तर पश्चिम में कुशेश्वर स्थान झील स्थित है। और सबसे आखिरी में जिस झील का नाम है वह है जगतपुर झील। यह झील भागलपुर जिले में स्थित है। इस झील का पूरा क्षेत्रफल 400 हेक्टेयर में है। कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में इसमें मात्र 50 हेक्टेयर में ही पानी बच जाता है। बता दें कि इस झील को भारत सरकार की सहायता से देसी और विदेशी प्रजाति के पक्षियों के संरक्षण के लिए बनाया गया है, और सरकार जो है लगातार इन झीलों पे अपने संरक्षण की बात कहती है ताकि इन झीलों को बचाया जा सके। खास करके अगर हम कांवर झील की बात कर लें तो यह बिहार का जो है सबसे प्रसिद्ध झील है। कांवर झील में विदेशी पक्षियों का सबसे ज़्यादा आगमन होता है और यहाँ पर वो पक्षियाँ आकर महीनों रुकती है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।